शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत का दबाव बना रहे हैं और ट्रायल में देरी बेल का आधार नहीं हो सकती। ईडी ने कोर्ट में जवाब देते हुए ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में प्रॉफिट मार्जिन 7 से 12% करने के पीछे कोई तर्क नहीं दिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई। इस मामले में आपराधिक आय का आंकड़ा 338 करोड़ से भी ज्यादा का निकाला गया है। वैसे इस वक्त हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ चुके हैं। भास्कर, कोई राहत नहीं मिली ना अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया की बेल पर भी लगातार आरोप पर आरोप ईडी लगा रही है। मनीष सिसोदिया की बेल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले रिजेक्ट हो चुकी है, अब नए आधार पर वो बेल मांग रहे हैं कोर्ट से। और देखिए, मनीष सिसोदिया इस आधार पे बेल मांग रहे हैं कि उनको कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाए, चुनाव प्रचार के लिए उनको बेल चाहिए और इसलिए रॉयल रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो ये कोशिश की गई थी कि बहुत जल्द इस पे ये फैसला आ जाए कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है। हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, ये सोच के कि अगर जितनी जल्दी इसमें फैसला आ जाता है उसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी अब 29 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में और पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी का स्टेक है वहां पे चुनाव अभी देर से 6ठे और 7वें चरण में चुनाव है। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में अगर कहीं से भी राहत मिल जाती है जिसको वो आम जनता को समझा सके कि देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि गलत तरीके से हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ईडी का उपयोग राजनीतिक षड्यंत्र की तरह हुआ है, राजनीतिक टूल के तरह से किया गया है और इस वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं, तो इससे उनको एक बड़ी सफलता मिलेगी, ये बूस्ट मिल पाएगी। ये कोशिश अभी भी आम आदमी पार्टी की जारी है लेकिन अब इसके लिए भी 29 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को इसमें सफलता मिल पा रही है या नहीं। अगर नहीं मिलती है तो फिर से अरविंद केजरीवाल को भी रेगुलर बेल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया के केस में किया गया, राजबनी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं भी सफलता नहीं मिली, तो अब इंटरिम बेल चाहिए उनको सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। जी। अच्छा भास्कर, और क्या जानकारी मिल पाई है? आज भगवंत मान ने मुलाकात की, उस बातचीत में क्या और हुआ? क्योंकि जैसे वो जेल से निकले भगवंत मान, उन्होंने सीधे सीधे तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाए, लेकिन क्या उन्होंने कुछ ऐसा भी जानकारी आपको मिल पा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हो इलेक्शन को लेकर या फिर कुछ और पार्टी चलाने को लेकर? क्या कुछ इंस्ट्रक्शन भगवंत मान को दिए गए हैं? और देखिए, वहाँ पे आधे घंटे की मुलाकात हुई थी और मुलाकात में आम आदमी पार्टी के जो संगठन देखते हैं, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक भी मौजूद थे और वहाँ पे ये बातचीत हुई है जो कि मीडिया में आके बताया गया है संदीप पाठक के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है इनको कि अगले वीक से वो दो और मंत्री से, हर वीक दो मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनको जेल बुलाएंगे और वहाँ उनके डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसका रिव्यू करेंगे। हालांकि ये कानूनी रूप से कितना संभव है ये नहीं बताया, ये कैसे संभव है ये नहीं बताया, क्योंकि मुलाकातियों में मंत्रियों का नाम नहीं लिखा हुआ है और ना ही कोर्ट से इस बारे में कोई अभी अनुमति ली गई है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान थे कि दिल्ली में वो काम हो रहे हैं या नहीं जो शुरू करवा के गए थे, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं, स्कूलों में एजुकेशन का क्या हाल है, ये तमाम बातें। और अभी अब परमिशन मिलती है या नहीं, दो दो मंत्रियों से मुलाकात हो पाएगी या नहीं, क्योंकि प्रोसेस लंबा रहता है, तिहाड़ जेल प्रशासन से आपको बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है मुलाकातियों में नाम जिनके शामिल नहीं है। भास्कर, अब बने रहे हमारे साथ।